आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व हनुमान जी की प्रतिमा नेमावर के किसी क्षेत्र में किसी मंदिर में विराजित होने के लिए ले जाई जा रही थी। एक ट्रक में रखी यह प्रतिमा इंदौर नेमावर रोड पर से निकल रही थी कि तभी अचानक से ट्रक खराब हो गया। बाद में यह प्रतिमा उतार कर एक स्थान पर रखी गई और ट्रक को सुधारने का कार्य शुरू किया गया, किंतु ट्रक ठीक नहीं हो पाया। वहीं प्रतिमा जिस स्थान पर लेटे हुए स्वरूप में रखी गई थी वो वहां से हिली भी नहीं। सब लोगों ने इसे बजरंग बली की मर्जी बताते हुए यहीं पर लेटे हुए स्वरूप में हनुमान जी की स्थापना मंदिर के रूप में कर दी और उन्हें लेटेश्वर हनुमान के नाम से जाना जाने लगा। ट्रक के मालिक ने जब लाख कोशिश के बाद भी ट्रक चालू नहीं हुआ तो उसे यहीं पर खड़ा रहने दिया और वह ट्रक भी लेकर नहीं गया। यह स्थान इंदौर नेमावर रोड पर अक्षरधाम कॉलोनी में आता है। हनुमान मंदिर पर यहाँ पर शिव केटरिंग परिवार के शिव पाटिल एवं यशवंत पाटिल की ओर से हर वर्ष 56 भोग एवं महाप्रसादी का आयोजन किया जाता है। पुजारी मोहनदास सांवले ने बताया कि शिव पाटिल वर्षों से इस मंदिर के भक्त हैं और उन पर लेटेश्वर हनुमान की विशेष कृपा है। आज हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर यहां पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया। हनुमान जी के सम्मुख यज्ञ हवन के साथ ही सुंदरकांड का आयोजन भी किया गया। यहां पर 41 दिवसीय सुंदरकांड का 24 घंटे पाठ भी किया जा रहा है। इस अवसर पर शिव पाटिल एवं यशवंत पाटिल की अगुवाई में महाआरती, 56 भोग एवं महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने महाप्रसादी का लाभ लिया। 25 साल से देख रहे हैं हम लोग, ऑटोमेटिक चमत्कार हो गया इनका। कितने 25 साल देख रहे हैं, बढ़ गए लाखों आदमी आते हैं, लोग चमत्कार लोग हो गए इनका। मैं 15 साल से हो रहे हैं देख रहे हैं इनको। नर्मदा जयंती को हर साल भंडारा करते हैं हम लोग, अभिषेक करते हैं यहाँ पे। आज क्या क्या किया? 56 भोग है और सुंदरकांड है और 56 भोग लगेगा आज। महाप्रसादी है ना, हजारों आदमी खान प्रसाद करके गए आगे। ये आई हुई है और यहाँ स्थापित, अपने आप स्थापित हुई है वो। यहाँ से कहीं जा रही थी बाहर और वो बाबा फिर यहीं गाड़ी से कहीं गए नहीं और यहाँ के यहीं स्थापित हो गए। नहीं आज और ट्रक खराब हुआ उसके जी 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 हाँ, बाहर जाने वाली थी बाकी ट्रक में आई थी वो यहाँ से, और वो ट्रक यहाँ से हिला नहीं और बाबा यहीं ट्रक भी यहीं खड़ा हुआ है। यहाँ भक्त बड़ी संख्या में आते हैं। हाँ, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, कम से कम 1500 लोग हमेशा। वर्ष में क्या क्या आयोजन यहाँ पे होते रहते हैं? यहाँ दो तीन हमेशा 56 भोग लगते रहते हैं। भैया लगवाते हैं, यशवंत भैया महाराज जी 56 भोग लगवाते हैं, चोला चढ़वाते हैं बाबा का। इस बार क्या क्या आयोजन यहाँ पे होने वाले हैं? अभी 56 भोग लगे, बाबा का चोला चढ़ा, सुंदरकांड हो रहा है, महाआरती होगी 12:30 बजे। एक तो सभी देशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। एक ये बहुत प्राचीन मंदिर है ना, कि ये कहीं और मूर्ति जा रही थी, बाबा की ऐसी कृपा रही कि यहाँ पे बाबा विराजमान हुए। गाड़ी खराब हुई, गाड़ी खराब ना बाबा की यहाँ से उठने की इच्छा नहीं हुई तो गाड़ी भी यहाँ रह गई, वो तो बाबा भी यहाँ विराजमान हो गए। मंदिर के प्रति लोगों की पूरा वर्ष बाबा है, मनोकामना पूरी करते हैं और जो मन्नत मांगे वो तो पूरी होती है। आप ये वर्षों से आप भी जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, मन में क्या भावना रही? हम तो भगवान सबका भला करे और सब आस्था बनाए रखे हैं अपने।